आइए फ्रेंड्स, ये डिलीशियस सी दिखने वाली मोगलाई मटन करी आज बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है, इसे अच्छे से मैंने वॉश करके ले लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 स्पून जीरा पाउडर। अब इसमें 1 बड़ा स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ मैंने ये खड़ा नमक लिया है। आपने देखा होगा मैं मोस्टली नॉनवेज में खड़ा नमक ही यूज़ करती हूँ। आपके पास अगर नहीं है, आप सादा सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस सबको अच्छे से मिक्स करके ले ले और इसे अभी 1/2 घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए रख दे। तब तक हम इसके लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें उसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ऐसे लंबा लंबा कट करके ले लिया है। आप मीडियम साइज़ के 2 प्याज भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। इसे काला नहीं करना है, इसे बस इसको ब्राउन होने तक ही हमें इसे फ्राई करके ले लेना है। ये देखिए मैंने करके ले लिया है। अब इसे मिक्सी में डाल के इसका इसे बारीक पीस के ले लेंगे। इसे मैं पीस के ले रही हूँ। अब तब तक यहाँ एक और पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी मैंने काजू लिया है। ये मैंने जावित्री ली है, 10 से 12 लौंग और 4 इलायची ली है। इस सबको मिक्सी में डाल के इसकी एक पेस्ट बना के ले लेंगे। ये देखिए कितनी फाइन पेस्ट बनी है। अब यहाँ मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, इसकी भी एक फ़ाइन पेस्ट बना के ले लेंगे। अब यहाँ प्रेशर कुकर लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने 2 बड़े स्पून ऑयल डाल के ले लिया है। इसके अंदर डाल देंगे तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। अब इसके अंदर मैरिनेटेड मटन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके ले ले और अब हम इसे बस ढक देंगे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखेंगे मटन जो हमने जो खड़ा नमक डाला था वो खड़ा नमक अपना पानी छोड़ देगा, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खड़ा नमक से जो नॉनवेज में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने ज़रा भी पानी नहीं डाला है, कितना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे टमाटर की पेस्ट, उसके बाद ये जो प्याज हमने किया था प्याज का वो पेस्ट डाल देंगे, और इसके बाद जो काजू और कुछ मसालों का किया था हमने वो पेस्ट डाल देंगे और सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें फुल फ्लेम पे 2 सीटी और 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पे रख के इसे पकाना है। हमारा मटन बनके तैयार है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। इसे ऐसे एक बार मिक्स करके ले ले। ये देखिए हम चेक करते हैं ये पका है कि नहीं। ये देखिए कितना इजीली ये कट हो रहा है, कितना जूसी लग रहा है। हमारा मटन पक चुका है। अब इसे धनिया डाल के हम गार्निश करके इसे गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। तो देखिए हमारे डिलीशियस यमी जूसी मोगलाई मटन करी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये पराठा, रोटी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। ऐसी नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।